नवाज शरीफ के बाद पनामा पेपर्स का दूसरा शिकार, ऑफशोर कंपनीज में नाम आने पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फर्रुख इरफान ने इस्तीफा दे दिया। मजीद जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस फर्रुख इरफान, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी और मिस डिक्लेरेशन की यह कार्रवाई थी कि उन्होंने जो अपने असासी और कारोबार है उससे जो उन्होंने रिजाइन देना पड़ता है जज को अपना ओहदा संभालते वक्त, तो वो उन्होंने एक साल के बाद दिया। एक साल वो जज के तौर पर अपना बिजनेस भी साथ चलाते रहे और अपने ज़राए आमदन के हवाले से भी उनके काफी सवाल जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई में उठाए गए थे। तब आज जब उनको तलब किया गया था जुडिशियल काउंसिल की जाने से कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो काउंसिल को बताया गया कि जस्टिस फर्रुख इरफान ने अपना ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा चुके हैं। ये इस्तीफे की बात अदालत को जो है बताई गई तो काउंसिल ने उनके खिलाफ जारी कार्रवाई थी उसको साथ ही खत्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।